अरे भाई ये क्या हो गया? कमिंस भाई साइलेंस करने निकले थे और खुद ही साइलेंस हो गए, और ऐसा साइलेंस हुए कि साथ ही अपनी टीम के ऑनर को भी रुला दिए। भाई सच कहूं तो जब ये आरआर को हरा करके आए ना, तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि पिछले 5 साल में अब तक का सबसे जानदार, यादगार और जबरदस्त फाइनल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही ऐसे महारथी थे जो कि पूरे टूर्नामेंट उधेड़ते डोमिनेट करते आए हैं। एक तरफ से केकेआर के धुरंधर, जिन्हें हारना पसंद नहीं था, तो दूसरी तरफ वो हैदराबादी, जिन्हें जीत के सिवा कुछ और गंवारा नहीं था। जिस लेवल का कारनामा इन दोनों ने करके दिखाया, ऊपर से फाइनल का इतना बड़ा माहौल, लेकिन रिजल्ट क्या था? जिससे इतनी उम्मीद थी वो इतना ठंडा फाइनल हुआ, इतना वन साइडेड मैच कि अभी तक लग रहा है कि मानो एक ही टीम खेल रही थी। हैदराबाद को तो समझ में नहीं आ रहा, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि फाइनल के नाम पर कौन सा प्रैंक हो गया। कमिंस बेचारे अभी तक सोच रहे हैं कि ट्रॉफी फोटोशूट में राइट हैंड साइड होने के बावजूद ये रॉन्ग कैसे हो गए। भाई जब सामने गौती भाई हो ना, तो तगड़े से तगड़े 30 मार खा फेल हो जाया करते हैं। और सच कहूं तो ये उनका माइंडसेट और श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंट कैप्टनसी थी, जिसने केकेआर की तकदीर फर्श से अर्श पर ला कर के खड़ी की। लेकिन मैं जानता हूं आप यही सोच रहे हैं ना कि हम कल के मैच का रिव्यू करने आए होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम कोई हाईलाइट या किसी का क्रिटिसिज्म करने आए होंगे, लेकिन नहीं। सबसे पहले तो सलाम है केकेआर और एसआरएच दोनों को। आसान नहीं होता है जब इतना तगड़ा डाउनफॉल हो रहा हो एज ए टीम। पिछले साल जहाँ केकेआर 7वें नंबर पर थी, तो एसआरएच 10वें नंबर पर, तो इस साल ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस साल ये लोग फर्स्ट और सेकंड आएंगे। अपनी तीसरी ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे पहले तो केकेआर को बधाई, और इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट के लिए एसआरएच को भी शाबाशी। लेकिन एक सवाल हमारे कई दोस्त अभी तक अपने मन में लिए बैठे हैं कि जो एसआरएच कभी 250 कभी 287 रन ठोक रही थी, वो कल सिर्फ 113 पर सिमट गई। आखिर ऐसा क्या जादू किया केकेआर ने जो इस साल ट्रॉफी जीत गई? तो चलिए आज केकेआर की जीत को ही ट्रिब्यूट देते हुए हम उन टर्निंग पॉइंट्स की बात करेंगे जिसके दम पर केकेआर ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, भाई सबसे अच्छा प्लस पॉइंट रहा टीम का कॉम्बिनेशन। सीनियर हो या जूनियर, सबको बखूबी यूज किया गया, सबको खेलने के लिए तैयार रखा गया, और किस सिचुएशन में किसे यूज करना था ये ने बखूबी मालूम था। लाजवाब कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतरी। मुंबई के खिलाफ कुलेश में पांडे जी को इंपैक्ट प्लेयर खिलाना हो या साल्ट की एब्सेंस में गुरबाज का दाव, सब कुछ टॉप नोच रहा। नारायण रसल को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना हो या रिंकू रमनदीप को किस नंबर पर खिलाना था, इस टीम में कॉम्बिनेशन बिल्कुल जबरदस्त रहे। नरेन पर जो सोचा वो करके दिखाया, वो एग्जीक्यूट करके दिखाया। पास या फेल, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बदला तो नहीं बदला। इस टीम ने बखूबी मिसाल पेश की और इसका इनको रिजल्ट भी मिला। नो इंडिविजुअल ऑप्शंस, जैसा कि हमने अधिकतर टीमों में देखा है कि फैंस को इंडिविजुअल ग्लोरीज से काफी प्यार होता है। यहाँ तक कि कई टीमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है जो इंडिविजुअल को टीम से बड़ा मानती है, लेकिन केकेआर में कुछ भी ऐसा नहीं रहा। या 19 साल के रघुवंशी से लेकर 36 साल के नारायण, सबने जबरदस्त परफॉर्म किया और अच्छा खेल करके किसी ने कोई हवाबाजी नहीं की। टीम को जिताने के लिए आए थे, जिताकर चले गए, चाहे कोई ऑरेंज कैप या कोई पर्पल कैप ना जीता हो, लेकिन ट्रॉफी जीत क्योंकि ये परफेक्ट टीम वर्क के साथ खेले, ना कि कोई अपने लिए खेला। अब यही तो चैंपियंस टप होता है जो कि केकेआर ने करके दिखाया। गौतम गंभीर मास्टरमाइंड, भाई 2012 था या 2014, कभी धोनी के हीरो को तो कभी पंजाब के शेरों को अगर कोई मात दे पाया था तो वो गौतम गंभीर ही थे, जिसके दम पर केकेआर ने खिताब जीता था। वो बात अलग है कि जब ये चले गए तो सब कुछ उथल पुथल हो गया। कोच माइकल मेरा में हमने एक्सपेरिमेंट का दौर भलीभांति देखा है, लेकिन जो एक फादर फिगर इस टीम में मिसिंग था वो पारखी गंभीर ही थे, जिसने टीम को शानदार तरीके से ट्रेन किया, ट्रिगर किया अपने शब्दों से, जीत की मोटिवेशन से। वरना अधिकतर प्लेयर तो सेम ही थे पिछले साल वाले ही, टैलेंटेड तो सभी थे, फिजिकली गेम भी अच्छा था, मेंटली इन्होंने तगड़ा कर दिया और बस रिजल्ट हमारे सामने है। और जैसा कि इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आई हेट लूजिंग, उसने तो दिल्ली जीत लिया और कभी डायरेक्शन लेस दिख रही केकेआर की गाड़ी को फिर से पटरी पर ला दिया। सीनियर जूनियर ट्रेंड खत्म कर दिया, सबको एक ही लक्ष्य के लिए अग्रसर कर दिया। गंभीर को भले ही सभी लोग क्रेडिट दे रहे हैं, खूब वाहवाही कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कप्तान को ही भूल जाइए जिसकी लीडरशिप के दम पर केकेआर के हाथों में ट्रॉफी आई। हमेशा याद रखिएगा, गंभीर डगआउट में होते थे, ग्राउंड पर जो कमाल हुआ है वो श्रेयस भाई की शानदार कैप्टनसी से ही हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा जब 2018 में दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने 20 सीजन विदड्रॉ कर लिया था, तो अय्यर भाई ही थे जिसने दिल्ली का हाथ थामा था, 2019 में टॉप 4 में पहुंचाया था, 2020 के फाइनल में पहुंचाया था। वो बात अलग है कि ट्रॉफी उनकी नहीं हुई, लेकिन शानदार और बेहद इंस्पायरिंग कप्तानी के लिए अय्यर को कोई तारीफ मिलते मैंने तो नहीं देखी। ऐसे में वो तारीफ और ट्रॉफी दोनों ही पेंडिंग थी, जिसके सालों से हकदार रहे, और कल फाइनली इन्हें वो सब कुछ मिल ही गया। अब भाई कोई करे या ना करे, लेकिन हम आपकी खुलकर तारीफ करेंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं। क्रिकमाइंड की ओर से आपको पूरा सम्मान मिलेगा। सुनील नारायण, भाई क्या बोलूं इनके लिए, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये साल इनके करियर का महानतम होने वाला है, क्योंकि बल्ले और गेंद दोनों से इनका फॉर्म ताबड़तोड़ रहा। शतक भी आया, तूफानी अर्धशतक भी आए, गेंद से ऐसे करिश्माई स्पेल आए जिसने अपोजिशन के जबड़े से जीत छीन ली। केकेआर अगर जीता तो उसका सबसे बड़ा रीजन रहा नारायण का शानदार परफॉर्मेंस। वैसे तो ये सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे क्योंकि ये अपने बेस्ट पर नहीं थे। बैटिंग में बेहद फ्लॉप जा रहे थे, बॉलिंग भले ही अच्छी करते मगर टीम को वो एक्स फैक्टर वाली एज नहीं मिल पा रही थी।
पर क्योंकि कोई मिल गया मैं जैसे जादू के आते ही रोहित की शक्तियां बढ़ जाती थी, ठीक वैसे ही गौतम गंभीर के आते ही मानो नारायण का खोया हुआ फॉर्म वापस लौट आया। और लगभग हर मैच में इन्होंने रन तो बनाए ही, साथ ही विकेट भी चटकाए और 2024 आईपीएल के साथ साथ केकेआर के लिए भी यादगार ड्रीम सीजन बन गया, जहां 14 में सुनील ने 488 रन जड़ दिए 181 के स्ट्राइक रेट से, साथ ही 17 विकेट भी निकाले वो भी महज 6.69 की इकोनॉमी से। अब जब ऐसा टीम वर्क हो तो कोई भला कैसे हार सकता है। अब आप बताइए आपके हिसाब से केकेआर ये ट्रॉफी क्यों जीती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।